वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। गुरुवार यानी 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। इस ऐलान के बाद यूपी के चुनावी मौसम के बीच राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 25 दिसंबर से राज्य में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके साथ ओमिक्रॉन के बचाव के लिए अन्य कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यूपी में कब से कब तक रहेगा नाइट कर्फ्यू और किन नियमों का करना होगा पालन। कोरोना के मामलों को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर से शादियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना होगा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दरअसल यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने और क्रिसमस न्यू ईयर के मौके को देखते हुए योगी सरकार बहुत चिंतित है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार भी क्रिसमस और नए साल की पार्टियों को देखते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश में गुरुवार यानी 23 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 122 मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 358 मामले हो गए हैं। इनमें से 114 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ये मामले 17 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को बताया कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 88 मामले, दिल्ली में 67, तेलंगाना में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटका में 31 और गुजरात में 30 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड 19 के 6,650 नए मामले सामने आए हैं। तो ये था यूपी में नाइट कर्फ्यू के ऐलान पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।